हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग एकदम क्लूलेस स्टार्ट हो रहा है बिकॉज मुझे बिल्कुल भी क्लू नहीं है कि अभी मेरे साथ क्या होने वाला है। माई बेस्ट फ्रेंड्स आर थ्रोइंग मी अ बैचलरेट पार्टी बिकॉज आई एम गेटिंग मैरिड सून, तो ऑब्वियसली एक मैंडेटरी बैचलरेट पार्टी तो बनती है। सो मुझे बिल्कुल नहीं बता रही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे सिर्फ बोला अपने कपड़े लाने हैं, पैक करना, हम कैब बुक करेंगे और वहाँ पर आ जाना। थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया है बिकॉज यूजुअल बैचलरेट पार्टीज कैसी होती है, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, हिंट है वो क्या करने वाले हैं, बट मुझे ये नहीं पता मैं जा कहाँ रही हूँ। सो यार ये व्लॉग काफ़ी क्लूलेस होने वाला है, सो आई थॉट कुछ अच्छा हो रहा है तो थोड़ा बहुत लॉक कर लेती हूँ। देखो आगे आने वाले जो वेडिंग फंक्शंस होंगे वो बहुत ज्यादा क्योटिक होने वाले हैं, एज इन बहुत ज्यादा काम होता है, तो उसमें आई थिंक मैं एक्टिवली व्लॉग नहीं कर पाऊंगी, बट ये वाला जो मोमेंट है मैं डेफिनेटली व्लॉग करना चाहती हूँ विद माई बेस्ट फ्रेंड्स। ये काफी स्पेशल है तो मैं इसको एक डॉक्यूमेंट भी कर लूंगी अपने व्लॉगिंग के थ्रू। सो या Many tic-tacs later. Eternity later. Hi guys, it's the next. I don't know कौन सा डे में लाइफ आजकल बहुत ज्यादा chaos में चल रही है तो मुझे पता भी नहीं चलता व्लॉग स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, बट आई थिंक लास्ट क्लिप आपने मेरी बैचलर एट नाइट की देखी होगी एंड वॉट नाइट इट वॉज। मतलब मैंने लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है। मेरी फ्रेंड्स बोल रही थी सरप्राइज मिलेगा, आई वाज लाइक ठीक है यार, एक नॉर्मल ब्राइडल शावर जैसा ही होगा, बट इट वॉज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। बहुत मजा आया, दे लिटरली बुक्ड एन एयरबीएनबी, प्रॉपर एक एयरबीएनबी था, वो होटल नहीं था बिकॉज होटल में काफी बार रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। Airbnb is like a proper house, आप चिल करो, enjoy करो, बहुत मजा आया। और आई थिंक लास्ट क्लिप के बाद मैं ज्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी बिकॉज हम सब थोड़े थोड़े ट्रिपी हो गए थे, हम enjoy कर रहे थे, हमने रात को मैगी खाई, बातें करी। मुझे ना ऐसी पार्टीज पसंद है, घर रहो, चिल करो, कंफर्टेबल कपड़ों में। इट वॉज एक्जैक्टली लाइक हाउ आई वॉन्टेड। मुझे बिल्कुल भी ऐसे बाहर फैंसी कपड़ों में इतना कोई पार्टी करना पसंद नहीं बिकॉज मैं थोड़ी फिर रिजर्वड हो जाती हूँ बाहर जाकर। अब आज मुझे जाना है मार्केट तो मैं साथ साथ तैयार भी हो रही हूँ। सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ, उसके बाद SPF लगा लूंगी अच्छे से। ऑल्सो दिस ब्राइडल शावर वॉज मच नीडेड बिकॉज एक तरह शादी के स्ट्रेस में इतना ज्यादा टेंशन क्योस, मतलब मैं इतना रो रही हूँ ना बिकॉज मेरे से इतना प्रेशर नहीं हैंडल हो रहा, बहुत सारी चीज़ें मैस अप चल रही हैं। एक तो वैसे ही शादी का एक वो भी हो जाता है कि घर छोड़ के जाना है, वो तो एक अलग लेवल का इमोशन है जो मेरे साथ चल रहा है। मैं लिटरली कोई इंस्टा पे रील भी देखती हूँ ना किसी की विदाई की और मैं रो पड़ती हूँ, मैं वॉशरूम जाती हूँ और मैं भर भर के रोती हूँ। मतलब आई डोंट नो, मुझे पहले लग रहा था कि मैं बहुत चिल होंगी, लाइक माइन इज अ लव मैरिज, आई एम मैरिड टू द लव ऑफ माई लाइफ, बट मुश्किल होता है यार, नहीं हो पाता। थोड़ा थोड़ा वो चीज़ हिट करती है, यू आर लीविंग योर होम, तो वो तो अलग से हिट कर ही रही है। फटाफट से SPF लगा के आती हूँ पहले, फिर आपसे बात करूंगी। PF इज डन, आज ही मुझे मार्केट जाना है, डेली का ही हो गया यार। मतलब अब तो शॉपिंग का ऐसा हो गया ना कि बस अब नहीं होता और, बिकॉज एवरी डे कुछ ना कुछ याद आ जाता है, कितनी भी लिस्ट बना लो कुछ ना कुछ होता ही है जो रह जाता है, फिर ट्रायल्स होते हैं, कोई चीज पसंद आती है फिर दोबारा चेंज करानी पड़ती है, बहुत सारी चीजें चल रही है। बट यार गोइंग टू मार्केट नाउ, एंड क्या होता है ना थोड़े बहुत एक्ने मार्क्स आप देख सकते हो, आपको मेरे दिख रहे होंगे, और मेरा आजकल नहीं मन करता फुल ऑन हैवी मेकअप करने का। आई फील लाइक मार्केट तो जा रहे हो तो इतना ज्यादा हैवी मेकअप करने का भी क्या फायदा है। सो आई पर्सनली प्रेफर अ प्रोडक्ट जो मुझे एक अच्छी स्किन के बेनिफिट्स भी दे और एक मेकअप का भी कवरेज मिल जाए, एंड फॉर दैट दिस प्रोडक्ट इज जस्ट परफेक्ट। जब ये लॉन्च हुई थी ना मैंने लिटरली ब्रांड को खुद बोला था कि मुझे ये ट्राई करनी है, मुझे भेजो, आई वॉन्ट टू ट्राई दिस, आई वॉन्ट टू टेस्ट इट ऑन माई सेल्फ, और मैंने ट्राई करी और फाइनली अब मैं इसका रिव्यू देने वाली हूँ। आई पर्सनली लव्ड इट। ये है डर्माको की 2% नायासिनमाइड हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम, ये एक डूई इवन टोन स्किन आपको देती है, जस्ट लाइक अ बेनिफिट ऑफ मेकअप विद स्किन केयर। ये खाली आपके स्किन को एक्ने मार्क्स को कंसील नहीं कर रही, उसको हील करने में भी हेल्प कर रही है बिकॉज इसमें 2% नायासिनमाइड भी है जो एक्ने मार्क्स के साथ फाइट करता है, फिर इसमें 1% हाइलुरोनिक एसिड भी है जो काफी हाइड्रेटिंग है, स्किन अभी भी ड्राई ड्राई फील होती है तो उसमें के इसमें काफी अच्छा है। इसके अंदर एक्वा एक्साइल भी है, सो इट्स अ हाइड्रेटिंग फॉर्मुला, फ्रेग्रेंस फ्री भी है, इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, दिस इज सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, डाई मिनरल ऑयल फ्री। जस्ट अप्लाई इट ऑन वन साइड सो दैट आप एक अच्छा डिफरेंस देख पाओ, और बीबी क्रीम्स एकदम परफेक्ट होती है।
नाउ अभी ये खाली सिंगल शेड में अवेलेबल है, बट मैं आपको दिखा देती हूँ इसका शेड दिखता है कुछ इस तरह से, विच इज वेरी क्लोज टू माई स्किन टोन. आई थिंक सारे इंडियन स्किन टोन को ही सूट कर ही जाएगा, बट आई रियली वॉन्ट फ्यूचर में ये और एक्सपैंड करें अपने शेड्स में. सो लेट मी जस्ट अप्लाई ऑन वन साइड. सो मुझे इस साइड एक्ने मार्क ज्यादा है, इस साइड इतने नहीं है, इस साइड ज्यादा है, तो मैं आपको ज्यादा वाली साइड एक बार कंसील करके दिखाती हूँ. सो यू जस्ट डैब इट ऑन योर स्किन लाइक सो. नाउ सिंस ये बीबी क्रीम है ना, आपको ब्रशेस ब्यूटी ब्लेंडर्स की इतनी कोई नीड नहीं है, आप इसको हाथ से ब्लेंड कर सकते हो. मैं ऐसे ऐसे रगड़ने की बजाय प्रेफर करती हूँ प्रोडक्ट को ऐसे लगाऊं सो दैट एक डैबिंग मोशन में लगे, प्लस जो वॉर्म्थ होती है ना हैंड्स की वो बहुत अच्छे से ब्लेंड भी कर देती है. मैं एक बार अंडर आईज को भी थोड़ा बहुत कंसील कर लेती हूँ. आई थिंक अगर आप ऑफिस जाते हो, आप कोई लाइक वर्किंग हो, आपको ज्यादा हैवी मेकअप नहीं करना लेकिन आपको एक हल्की फुल्की कवरेज भी चाहिए, सो दिस इज रियली नाइस. एंड यू कैन सी मेरे काफी सारे एक्ने मार्क्स थोड़े बहुत कवर हो चुके हैं. ऑब्वियसली फुल कवरेज फाउंडेशन तो है नहीं, तो फुल कवरेज आपको लुक नहीं देगा, लेकिन हल्के फुल्के मेकअप लुक के लिए एकदम परफेक्ट. एंड दिस हाउ इट लुक्स लाइक ऑन माई फेस. यू कैन सी नो क्रैकिंग एट ऑल. बहुत अच्छी एक ड्यूइनेस फील हो रही है, हाइड्रेटिंग फील हो रहा है स्किन पर, और कवरेज भी मुझे काफी अच्छी डिसेंट कवरेज मिल गई है. आई एम गोना सेट माई फेस विद अ लूज पाउडर बिकॉज मुझे लंबे टाइम के लिए जाना है, और सेट हो जाता ना तो एक लंबे टाइम के लिए ये भी प्रोडक्ट काम कर जाता है. प्लस मेरी ऑयली स्किन है तो अच्छा भी रहता है. आपकी मर्जी, आप सेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते. एंड आई एम रेडी, लिप बाम दोबारा लगा लूंगी, मैंने पहले भी लगा लिया था. दैट्स इट, वेयर इज माय स्पेक्स. मैं हो गई हूँ अच्छे से तैयार. अगर आप ये लेना चाहते हो आप डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो. मेरा कोड वर्क करता है कशिका 20 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ. ऑल्सो व्हेनेवर यू बाय फ्रॉम डर्माको दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि एंड दे हैव प्लेज टू हेल्प 10,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर. ऑल्सो सबसे बेस्ट बात है डर्माको के सारे प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रेग्रेंस फ्री हो चुके हैं, तो अगर आपको स्किन सेंसिटिविटी एंड ऑल का इशू है तो भी अच्छा है. वैसे भी इसकी मुझे फॉर्मुलेशन काफी जेंटल लगी है, हर किसी को सूट करने वाली है, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा. बट स्टिल अगर आप पैच टेस्ट करना चाहते हो तो पैच टेस्ट कर सकते हो. सो डर्माको के अलावा अगर आप ये लेना चाहते हो आपको अमेज़न, नायका, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी, लेकिन वहां पर ये कोड अप्लाई नहीं होगा. आई एम जस्ट क्लियरिंग इट आउट देयर. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो जरूर चेक कर लेना. अब मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ, सो फटाफट से निकलते हैं मार्केट. कोशिश करूंगी ब्लॉग करने की बट नहीं हो पाता यार, बिकॉज बहुत सारे शोरूम्स में ना वो गुस्से मना कर देते हैं, नो फोटोग्राफी अलाउड, हम फोटोग्राफी अलाउ नहीं करते, तो फिर क्या ही बंदा ब्लॉग करेगा ऐसे बार बार से खाएगा नहीं ना. तो मैं कोशिश करती हूँ इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत स्निपेट्स डाल दूं, बट आई विल ट्राई टू व्लॉग सम ग्लिम्सेस फॉर यू. सो नाउ लेट्स गो. 2 आवर्स लेटर. सारे कलर ठीक है इसके. हाँ लेकिन खुले पड़े हैं, देख के तू ये इनको लॉक करना पड़ेगा फिर. कैसे करूँ ये कैसे The next morning. अपने घर का सुकून और धूप है. I'm gonna miss this यार, ये बड़ा याद आने वाला है मेरे को. And this बच्चा जो धूप सेक रहा है. दिशु, दिशु से हाय. दिशु, हाय. बहुत अच्छी धूप आ रही है यार, मजा आ गया. मेरे सारे बाल भी सूख गए. आई थिंक ब्लो ड्राइंग से बेस्ट होता है सन ड्राइंग, बिकॉज बाल एकदम ऐसे स्ट्रेट हो जाते हैं. आई लव इट. हाँ जी, ऐसे करूँ? लो ऐसे. हाँ. कर लिया, ठीक है. हाँ. ऐसे करना है ऐसे. सो दिस इज माई स्किन बिफोर ट्रीटमेंट. एक्ने है, मार्क्स है. लेट्स डू इट. इट्स डन. ऑलमोस्ट टुक 1 आवर आई गेस. अभी इतना कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा बिकॉज ऑब्वियसली टाइम लगता है ग्लो आने में, बट या इट्स ग्लोइंग ऑलरेडी.